रेंजर मारने वाला था नीतीश जी को, नीतीश जी अपने को बचा लिए, देश को बचा लिए। ये गठबंधन अब कभी टूटने वाली नहीं। भारतीय जनता पार्टी की तो हजारहा जुबाने हैं और उनके विचारधारा के न जाने कितने स्कूल्स हैं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार में अंतोगत्वा खेला हो गया, बीजेपी कह रही है कि धोखा हुआ, खंजर मारा गया है पीठ में। इस वक्त हमारे साथ प्रेम शंकर यादव आरजेडी के विधायक हैं, चेहरे पर मुस्कान है आपके। खंजर क्यों मार दिया बीजेपी को नीतीश कुमार ने? नीतीश कुमार जी ने खंजर नहीं मारा, बीजेपी खंजर मारने वाला था नीतीश जी को, नीतीश जी अपने को बचा लिए, देश को बचा लिए और अपने पार्टी को बचा लिए। नहीं तो बीजेपी इतना जिस तरह से शिवसेना के साथ खंजर मारा उसी तरह से यहाँ भी खंजर। तो गोपालगंज से आते हैं, क्या माहौल है वहाँ पर लोगों का? बहुत खुशी है और हमारे नेताजी को जो अपना चुनाव के दौरान जो उन्होंने बोला था कि मैंने 10 लाख रोजगार की जो बात किया था, उम्मीद करते हैं कि अब हम लोगों का वो मांग पूरा होगा। आगे लगता है कि अब सरकार में साथ मिलकर रहेंगे तो ऑलवेज वेल रहेगा, जेडीयू को ऑलवेज वेल रहेगा, अब हमेशा रहेगा। एक गठबंधन अब कभी टूटने वाली नहीं। बीजेपी तो प्रेशर डालती है। बीजेपी क्या प्रेशर डालेगी? बीजेपी किस पे प्रेशर डालेगी? प्रेशर डाल के क्या करेगी? बीजेपी का जो काम था वो काम तमाम हो गया बिहार से, बीजेपी बिहार से सफाया हो गया। अब नहीं आएगी कभी? अब कभी जीवन में नहीं आएगी बीजेपी। देखिए, बीजेपी बिहार में कभी जीवन में नहीं आएगी। शकील अहमद खान हमारे साथ हैं, क्या हुई बीजेपी अब धरने पर बैठ गई है कि धोखा दिया गया, पलटू राम कहने लगे कुमार को तुरंत। भारतीय जनता पार्टी की तो हजारहा जुबाने हैं और उनके विचारधारा के न जाने कितने स्कूल्स हैं, कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं, तो अब उनके पास बोलने के लिए क्या है? हम लोग ने कहा कि समान विचारधारा के लोग जो अलग अलग थे, समय ने हम सब ने मिलकर के हम सब के सामूहिक प्रयास से ये चीज़ें आई हैं और हम लोग एक अच्छी गवर्नमेंट दें, जनता के सरोकार का काम करें। हो चुका? हाँ तो हो चुका, आगे आने नेचुरली होगा, क्योंकि किसने हिम्मत दी है, तमाम करोड़ों आवाजों की हिम्मत दी है कि नहीं, यस वी कैन डिफीट देम। यूपी को लेकर के आरजेडी और कांग्रेस नेता बिहार में क्या क्या कह रहे हैं, आप सुन रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सरकार तो बन चुकी है आरजेडी जेडीयू कांग्रेस की, अब आगे देखना ये होगा कि कैबिनेट का स्वरूप कैसा होता है, इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज लाइक करें, धन्यवाद। बीजेपी खंजर मारने वाला था नीतीश जी को, नीतीश जी अपने को बचा लिए, देश को बचा लिए। ये गठबंधन अब कभी टूटने वाली नहीं। भारतीय जनता पार्टी की तो हजारहा जुबाने हैं और उनके विचारधारा के न जाने कितने स्कूल्स हैं। बीजेपी खंजर मारने वाला था नीतीश जी को, नीतीश जी अपने को बचा लिए, देश को बचा लिए। ये गठबंधन अब कभी टूटने वाली नहीं। भारतीय जनता पार्टी की तो हजारहा जुबाने हैं और उनके विचारधारा के न जाने कितने स्कूल्स हैं।